नमस्कार दोस्तों, SPL हेल्थ केयर में आपका सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और मेरे बताए नुस्खों से अमल कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचा रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खा, देसी दवाई, कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग इतनी गर्मी पड़ रही है, मतलब गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बहुत से क्या है, खाज, खुजली, वो लाल लाल दाँत हो जाते हैं, तो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बोतल चलाते हैं, दवाई देते हैं, खाने की एक लगाने की ट्यूब देते हैं और बिल बैठा देते हैं बहुत सारा, फिर भी ठीक नहीं होते। एक दिन, दो दिन, तीन दिन के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से फिर ऐसे हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को जड़ से ख़त्म, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करने की कुछ ऐसी देसी दवा बताने जा रहा हूँ। देखते रहिए पूरी वीडियो को और पूरी वीडियो को देखिए, बताऊंगा कैसे लगा, कैसे बनानी है, कैसे करनी है और कैसे खानी है, सब तरह पूरी फुल वीडियो में बताऊंगा, देखते रहिए। तो ऐसा होता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं बारात वगैरह या कहीं पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पे बस इस तरीके से और जो अपने पर्सनल पार्ट हैं समझ लीजिए, वहाँ पर भी खड़े होकर इतने करते हैं तो दूसरा आदमी कहता देख के कि इसे क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कैसे कर रहा है, क्या पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज मैं उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का जैसी तैसी दवाई बताना चाह रहा हूँ कि आप ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने घर पे ही बिल्कुल जो आपके एरिया में पंसारी की दुकान पे सारी चीज़ वहाँ मिल जाएंगी, अपने पंसारी की दुकान पे जाइए और वहाँ से उन चीज़ों को ला कर इस्तेमाल करिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है गौरव कुमार और आप टॉपिक देख कर आपको पता चल जाएगा कि आज मैं किस चीज़ के लिए बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक चिरैता, वो सूखा होता है और वो पंसारी दुकान मिल जाएगा। एक इंडिया में आता, एक इंडियन आता है, एक आता है नेपाली, कोई सा भी ले लीजिए, दोनों ही फायदेमंद है। चिरैता लेना है, वो बुखार में भी काम आता है, ठीक। और कितना लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आता है एक सातरा, वो भी पंसारी की दुकान पर, जो भी मैं चीज बताऊँगा वो सारी चीज़ पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी, देखते रहिए पूरी वीडियो। एक सातरा आता है, सातरा लेना है, वो भी कितना लेना है ये सब मैं एक साथ सब बता दूंगा। तीसरा आता है एक सुद्धाव, जिसे हिंदी में सालुल सात्री बोलते हैं, वैसे सुद्धाव के नाम से बहुत मशहूर है और बहुत सी चीज़ों में भी आती है, इस्तेमाल करी जाती है। चौथा लेना है सना की पत्ती, सूखी आती है सना की पत्ती, ठीक। और पांचवा लेना है आपको संदल सुर्ख, वो लाल लाल होता है, एक सफेद आता है, सफेद वाला नहीं लेना, संदल सुर्ख लाल वाला लेना है, एक सुर्ख बिल्कुल सुर्ख संदल सुर्ख लेना है, एक संदल सुर्ख। तीसरा आता है गोरख मुंडी, वो लेना है। और सातवा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक आता है काली छोटी हरहड़, ये सब चीज़ आपको सातों की सात चीज़ लेनी है। और ये कितनी लेनी है ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको सबका मात्र सबका सात सात ग्राम बराबर लेना है। काली हरहड़ जो आती है वो छोटी काली, उसका थोड़ा वजन ज़्यादा हो जाता है, तो उसे 5 या 6 ग्राम ले लीजिए, या तो वरना 7-7 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। सबको 7-7 ग्राम ले लीजिए और सबको 7-7 ग्राम लेने के बाद क्या करना है आपको, रात को 1 या 1.5 गिलास पानी गर्म करके उसमें इन सब चीज़ों को भिगोड़ना है, ढककर रख देना है या किसी ऐसी जगह रख देना है जो कुछ धूल वगैरह ना लगे, ऐसी जगह रख देना है, ठीक है। और सुबह के टाइम उठकर निहार मुँह, जो जब ये फूल जाए, जब ये मतलब फूल जाती है जिसका गाढ़ा सा बन जाए, तो उसे पानी में से निकाल कर जो पानी है, तो इसका खूब एक सुर्ख, मतलब बिल्कुल खूब एक गाढ़ा बनाना है, उसी पानी मिला कर खूब कूट, मतलब खूब हाथ से इस तरीके से करके खूब करके उसका एक पानी बना लेना है। और वो पानी आपको निहार मुँह पीना है। क्या कह रहे हैं आप लोग,
व्यंग्य तो सर बहुत कड़वा है। एक तो मीठी गोली, सॉरी मीठी बोली और कड़वी गोली बहुत फायदेमंद होती है। सुना भी होगा, कहा भी होगा अपने लोगों ने, बोल दी होगी कि किसी से ये बात कि भाई तेरी मीठी बोली ने और उस डॉक्टर की कड़वी गोली ने मतलब मजा बांध दिया या कर दिया। ये कहता हूँ कि मीठी बोली और कड़वी गोली बहुत फायदेमंद होती है। और करना तो देखो हर आदमी, मैं आपको बताता हूँ आज के टाइम में इतना आलसी आदमी इतना आलसी हो रहा है कि अपना इलाज करने के लिए भी सोचता है कि यार हर चीज़ एक साथ ही हो जा, साली ये हो जाए कि घर बैठी हो जा, पर ऐसा नहीं होता कुछ भी। देखो अंग्रेज दवाई में और देश दवाई में आप सबको फर्क पता है, फर्क होता है। अंग्रेज दवाई एकदम असर कर देती है पर ये पता नहीं कब, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। देश दवाई की बात होती है कि वो असर करती है, देर से असर करती है पर बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती है। मैंने खुद इस्तेमाल कराया है, ये नहीं करा, खुद भी करा, अपने दोस्त को भी कराया है, अपने रिलेशन में भी कराया जिसको हो रहा है। देसी जब अंग्रेजी दवाई खा कर परेशान हुए तब जाकर मैंने उनको बताया कि इस तरीके से इसे इस्तेमाल करो, तब उन्होंने करा तो कहने के बाद में ही कुछ इलाज हुआ है। आगे आपकी मर्जी है, मेरा बताने का काम था, मैंने बता दिया, करना आपके हाथ में है और जो करना है आपको खुद करना है। मैंने मुझे बताने का काम था, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या लेना है, कैसे कैसे करना है। आगे आपकी मर्जी है, आपको करना है नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है तो कोई नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, 300-300 3,500 रुपये टूर लगाइए, एक एक महीना 2-2 महीने लगाइए, फिर ठीक हो जाइए, फिर बाद में फिर दोबारा वही दोबारा पैसे इस्तेमाल करिए, अगर ज़्यादा पैसा हो रहा है तो करिए। मतलब मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप एक बार मेरे कहे इस नुस्खे से अगर इलाज कर लें तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर दोबारा कभी डॉक्टर के पास चले जाएँ तो रहेगा। खुद भी करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे, अपने अपने जितने भी बताएंगे कि इसको एक बार इस्तेमाल करो, वरना आगे आपकी मर्जी। बहुत दुनिया में बहुत डॉक्टर है, बहुत मौलवी है, किसी के ही पास चले जाइए, कर दिलवा दीजिए, बस सब पैसे वाले होते हैं, सब खुद भी सोचता है कि यार पैसा कितना लग जाए बस इलाज हो जाना चाहिए, पर इन सोचता है कि यार एक ऐसा भी काम होना चाहिए कि सस्ता भी जुगाड़ हो और जड़ से ख़त्म हो जाए। आगे आपकी मर्जी, मेरा बताने का काम था, मैंने आपको बताया है। सबको एक साथ लीजिए, 1.5 गिलास पानी या 1 गिलास पानी गर्म करिए, शाम के रात को सोते समय इसे उसमें डाल दीजिए, सुबह को उठ के उसका खूब उसे खलल करिए, खूब उसका निचोड़िए, उसको पानी जो उसका निकल जाए उसे बासी मुँह निहार मुँह उसे पी लीजिए, और जो उसका बचा हुआ जो सूखा हुआ जो उसका सूखा सूखा होता है जो उसका बचा हुआ उसे पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, किसी में पाउडर सा बना लीजिए, उसमें हल्का सा पानी मिला के उसे जहाँ जहाँ आपके पास लाल लाल दाग वाग या खुजली हो रही है वहाँ उसे लगाइए, ठीक है। बस ये आपको करना कितने दिन, अगर किसी के पास हल्का हो रहा है और वो दवाई खा रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है, ट्यूब लगा रहा है, फिर लगा के फिर ये कह रहा है कि 4 दिन के लिए ठीक हो गया फिर दोबारा हो गया, तो वो इसे 11 11 दिन सिर्फ 11 दिन इस्तेमाल करिए। अगर उससे ज़्यादा कुछ है तो 21 दिन कर लिया, और जी किसके पास बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है, लगा रहा है, खा रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसे 40 दिन कर लीजिए। 40 दिन के बाद अगर कभी ज़िंदगी में दोबारा से ये हो जाए तो उसकी गारंटी मेरी है, कभी दोबारा नहीं होगा। ये देसी दवाई है और मैं बता रहा हूँ देसी दवाई है, एक बार इस्तेमाल कर लीजिए। मैं किसी को ये नहीं कहने का कि आप देसी दवाई इस्तेमाल करिए या आप अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल करिए, बस जिसको जो अच्छा लगे वो करिए। मेरा काम बताने का था, मैंने आपको बताया है, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, जिससे आपके बताए हुए मेरे बताए हुए इस नुस्खे से आपके शेयर करने से दोस्तों को फ़ायदा पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बराबर बेल आइकन जरूर बजाइए, जिससे आपके हमारे नई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ एक चीज़ और, सॉरी एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, अगर ये करना है तो इस नुस्खे को करते वक्त आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको तली भुनी चीज़ नहीं खानी है, दूसरी स्मोकिंग दारू वगैरह ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। और इसे लगाने के बाद खाने के बाद आपको नीम के पत्ते में, आप थोड़े से नीम के पत्ते ले आइए, उन्हें उबालिए,
पानी में, उस पानी से छान कर या ऐसी ठंडा करके, अगर जाड़े गर्मी पड़े फिलहाल तो ठंडा करके उसमें नहाइए, और अपने तौल टाउल्स मतलब कपड़े वगैरह अलग रखिए, किसी को दूसरों को बीमार ना लगे। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसी ऐसे ही नुस्खे किसी अच्छे से टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।